इंडिया चाइना बॉर्डर पर हिंसक झड़प में 20 जवानों के शहीद होने से देश गुस्से में है, तो वहीं बच्चों में गुस्सा कुछ इस तरह देखने को मिला। बेटा आपका नाम क्या है? करण। कहाँ के रहने वाले हो? अमृतपुर के। इधर कहाँ जा रहे हो? चीन से। क्या कर दिया चीन ने? हमारे सिपाही को मार दिया। इसलिए सिपाही को मार दिया है? जवानों को मार दिया। तो इसलिए तुम लड़ने जा रहे हो? दरअसल शुक्रवार को जब उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाला करण अपने 10 दोस्तों के साथ चीन से लड़ने के लिए पैदल चल दिया। करण और उसके सभी दोस्त चीन से बदला लेने के लिए अपने घर वालों को बिना बताए अलीगढ़ से चीन जाने के लिए पैदल ही निकल पड़े, तो वहीं रास्ते में कुछ पुलिसकर्मियों की निगाह इन पर पड़ी तो पुलिस ने इनको रोक लिया और जब इनसे पूछताछ की कि आप लोग कौन हैं और सब इकट्ठा होकर कहाँ जा रहे हैं, तो इन बच्चों ने पुलिस को ऐसा जवाब दिया कि पुलिस इनकी बात को इनकी उम्र के हिसाब से सुनकर चौंक गई, क्योंकि इन दोस्तों में कोई 10 साल का था तो कोई 12 साल का, एक बच्चा तो करीब 8 या 9 साल का ही था। उसका जवाब यही था कि हमारे देश के जवान शहीद हुए, हमें बदला लेना है। पुलिस ने जब 10 दोस्तों में सबसे बड़े लड़के करण से पूछा तो उसने बताया कि कुछ दिन पहले टीवी पर देखा था कि चीन ने हमारे 20 जवान शहीद कर दिए हैं, हम उन जवानों की मौत का बदला लेना चाहते हैं। ये सभी बच्चे अलीगढ़ के दौदपुर इलाके के रहने वाले हैं और ऐसी तमाम खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।